वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि क्या यूट्यूब पे एजुकेटर्स फ्री में पढ़ाते हैं, आज हम इस टॉपिक पे क्या करेंगे, बात करेंगे। क्योंकि मैक्सिमम एजुकेटर्स या बोल सकते हैं सभी एजुकेटर्स यही बोलते हैं कि हम YouTube पे क्या करते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं, फ्री में कंटेंट क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो क्या ये सही है, फ्री में पढ़ा रहे हैं, फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं अपना ही बात क्या करता हूँ। देखिए, मेरा जो चैनल है सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल है, मैं अपने चैनल पर क्लास 11 12 ऑल बोर्ड्स बीकॉम ऑल यूनिवर्सिटीज़ यानी कॉमर्स अकाउंट्स रिलेटेड मैं क्या करता हूँ, वीडियोस को अपलोड करता हूँ। तो क्या मैं फ्री में कर रहा हूँ? नहीं, मैं फ्री में नहीं कर रहा हूँ। कोई भी एजुकेटर्स अगर YouTube पे वो क्या करता है, पढ़ाता है, उसका एक ही उद्देश्य है कि नेम फेम मनी कमाना, नाम शौहरत पैसा कमाना, जो कि बिल्कुल क्या सही है। अगर कोई एजुकेटर्स मेहनत करेगा तो चाहेगा कि मेरा नेम फेम मनी क्या हो, मैं अर्न करूं, राइट, जो कि क्या सही है। अगर मैं अपना ही बात कर लूं तो मेरा लगभग आपका 4100 के आसपास क्या हो चुका है, सब्सक्राइबर्स या फैमिली मेरा कंप्लीट हो चुका है। मेरे को यूट्यूब एडसेंस से फर्स्ट पेमेंट मेरे को आ चुका है, सेकंड पेमेंट बहुत जल्द आने वाला है। तो अगर मैं ये बोलूं कि मैं फ्री में कंटेंट दे रहा हूं, मैं फ्री में आपका पढ़ा रहा हूं, ये आपका क्या है, थोड़ा सा क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एजुकेटर्स जो आपका यूट्यूब पे पढ़ाते हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है कि यूट्यूब से नेम फेम मनी क्या करें, कमाएं। और मैं मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स को, टीचर्स को जानता हूँ जो यूट्यूब पे पढ़ा के लाखों करोड़ों रुपया क्या करते हैं, अर्न करते हैं, जो कि सही भी है। क्यों अर्न नहीं करेंगे, एकदम करेंगे, अगर मेहनत करेंगे तो अर्न करेंगे, राइट, सीधा सा बात है। लेकिन वो बार बार बोलते हैं अपने वीडियोस में, बार बार बोलते हैं मैं फ्री में यूट्यूब पे कंटेंट देता हूँ, मैं फ्री में स्टूडेंट्स लोग को पढ़ाता हूँ, जो कि क्या है, ये थोड़ा सा मुझे आपका सही नहीं लगता है। इसलिए कि फ्री में कोई कॉन्टेंट नहीं दे रहा। अगर फ्री में आप कॉन्टेंट दे रहे हैं तो ठीक है, आपका जो एडसेंस है वो मोनोटाइज है, उसे डिसेबल कर दीजिए। यानी एडसेंस जो आपका मोनोटाइज हो चुका है ना, उसे डिसेबल कर दीजिए। और डिसेबल करने के बाद क्या कीजिए, आप वीडियो बनाइए, तब मैं बोल सकता हूँ कि आप YouTube पे फ्री में कंटेंट देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम सभी एजुकेटर्स आपका एडसेंस, YouTube के एडसेंस से आपका बहुत सारा पैसा क्या करते हैं, कमाते हैं। तो बार बार बोलते हैं फ्री में कंटेंट दे रहे हैं, फ्री में कंटेंट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। फ्री में कोई कंटेंट दे रहा नहीं है, उसका एक ही उद्देश्य है नेम फेम मनी कमाना, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी एजुकेटर से, उसका उद्देश्य नाम शौहरत पैसा कमाना, जो कि सही भी है, राइट। लेकिन बार बार बोलते हैं फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री में हार्डवर्क कर रहा हूँ, कोई फ्री में हार्डवर्क नहीं कर रहा है। कोई भी अगर यूट्यूब पे आपका वीडियोस बना रहा है, वीडियोस अपलोड कर रहा है, वैल्यूएबल कंटेंट दे रहा है, तो सबसे पहले वो देख रहा है कि इससे उसको क्या बेनिफिट होगा, राइट। अगर मेरे को, मैं अपना ही बात करता हूँ, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, राइट, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, क्लास 11 12 बीकॉम से रिलेटेड मैं क्या करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, अगर मुझे रिटर्निंग में कुछ नहीं आएगा तो मैं क्यों काम करूँगा, सीधा सा बात है। मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, सीधा सा बात है। मैं वीडियो बनाता हूँ कि मुझे पता है मेरा नेम होता है, फेम होता है, पैसा भी धीरे धीरे आ रहा है, आने वाले समय में और पैसा आएगा, तो मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, सीधा सा बात है। और मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, इससे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी फायदा हो रहा है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन मैं सिर्फ बोलूँ कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, व्यूअर्स के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहा हूँ, सब्सक्राइबर्स के लिए काम कर रहा हूँ, अब मेरे को इसमें किसी तरह का आपका क्या बोलता है उद्देश्य नहीं है, मेरे को कुछ अर्न करना नहीं है, ये गलत हो जाएगा जी। और देखिए, अगर स्टूडेंट्स लोग बात किया जाए, स्टूडेंट्स लोग मैसेज कर सकते हैं, मुझे पता है कि सर मुझे तो फ्री में कंटेंट मिल रहा है। देखिए, मॉनेटरी फॉर्म में आप नहीं दे रहे, ठीक है, पैसा के अकॉर्डिंग आप नहीं दे रहे हैं, ये मान सकते हैं, लेकिन आप अपना वैल्यूएबल टाइम दे के वीडियो को देखते हैं, अपना समय देते हैं, तब क्या करते हैं, आप वीडियो को देखते हैं। तो आप एक तरह से आप भी पहले कुछ दे रहे हैं अपना टाइम, और तब वीडियो को आप देखते हैं, और उससे क्या होता है, कुछ ना कुछ आप सीखते हैं, ठीक है, मॉनेटरी फॉर्म में नहीं दे रहे हैं। लेकिन नॉन मॉनेटरी फॉर्म में तो आप क्या कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं ना, तो आप स्टूडेंट्स लोग भी क्या करते हैं, अपना बहुमूल्य समय दे के वीडियोज़ को देखते हैं, और वो वीडियोज़ देखते हैं तब जो एजुकेटर्स होता है या कोई भी यूट्यूब पे एजुकेटर्स होता है, यूट्यूबर्स होता है, वो क्या करता है, अर्न करता है। तो ये बोलना बेमानी होगा। मैक्सिमम एजुकेटर्स, बड़े बड़े एजुकेटर्स बोलते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मुझे पता नाम लूँगा तो हो सके कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह वो दे सकते हैं। तो मैक्सिमम एजुकेटर्स यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं तो फ्री में नहीं बना रहे हैं, याद रखिएगा। हाँ, एक हो सकता है, मतलब आपका बोल सकता है कि 99.99% तो फ्री में कंटेंट नहीं दे रहे हैं। हाँ,
0.01%, हो सकता है एक आध लोग हो 0.01% में, जैसे संदीप महेश्वरी सर हैं, ठीक है, वो अपना वीडियोस बनाते हैं और अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं किए हुए हैं, एंड यूट्यूब एडसेंस से एक रुपया भी कमाते नहीं है, वो बोल सकते हैं कि मैं फ्री में क्या कर रहा हूँ, आपका कॉन्टेंट दे रहा हूँ, तो 0.01% लोग हैं YouTube पे, लेकिन 99.99% जो YouTube पे वीडियोस बनाते हैं उनका एक ही उद्देश्य है कि नेम फेम मनी कमाना। और बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं, एजुकेटर्स बोलते हैं, मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ। अरे तो हार्डवर्क कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है ना। मैं आपका क्या कर रहा हूँ, वीडियोज़ बना रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, सोल्यूशंस बनाता हूँ, तो मैं अपने लिए पहले कर रहा हूँ, तब आपको क्या हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। अगर मेरे को बेनिफिट ना मिले मैं नहीं करूंगा। मेरे को कोई थोड़ी बोल रहा है कि हार्डवर्क कीजिए, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम जो आपका एजुकेटर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, बोलता है मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपके लिए हार्डवर्क कर रहा हूँ, कौन बोल रहा है करने के लिए, मत कीजिए, सीधा सा बात है, आपको थोड़ी ना कोई बोल रहा है। आप मेहनत करेंगे तो रिटर्निंग आप ही को ना मिलेगा, ऐसा थोड़ी है कि आप मेहनत करेंगे रिटर्निंग किसी और को मिल जाएगा। बहुत सारे आपका स्टूडेंट्स वगैरह बोलते हैं ना कि मैं 8 घंटा पढ़ता हूँ, 10 घंटा पढ़ता हूँ, 12 घंटा पढ़ता हूँ, अच्छी बात है, पढ़ेंगे तो उसका रिटर्निंग आप ही को आएगा, आप पढ़ेंगे तो पड़ोसी को रिटर्निंग नहीं आ जाएगा। आप कोई कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम देने वाले, मान लेते हैं आप कैसे सी हो, BPSC हो, UPSC हो, बैंकिंग एग्जाम्स हो, CGL हो, मतलब कोई भी, रेलवे हो, कोई भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हार्डवर्क कर रहे हैं, तो हार्डवर्क करेंगे तो कल ओके नौकरी तो आप ही को लगेगा, आपका बगल वाला को तो नहीं लग जाएगा। तो सीधा सा बात है, मेरा 100 बात का एक बात है कि सभी लोग आज के डेट में अपने लिए काम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं पूरा डेडिकेशन पैशनेशन के साथ क्या करें, काम करें, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो रिटर्निंग सबसे पहले आप ही को आएगा, तब किसी को आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, तो आप मेहनत करेंगे तो रिटर्निंग आपको आएगा। तो ऐसा काम जिससे करने से रिटर्निंग सबसे पहले मेरे को ही मिले, वो काम करने में क्या दिक्कत है। तो मैं अपने स्टूडेंट से, अपने व्यूअर से यही बोलना चाहूँगा कि सभी लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, इसलिए आप भी क्या करें, पूरा डेडिकेशन पैशनेशन आप क्या करें, डिवोशन के साथ क्या करें, काम करें, सक्सेसफुल होंगे तो आप ही को सबसे पहले क्या होगा, उसका रिटर्निंग मिलेगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो ये कहना बिल्कुल क्या है, बेईमानी है कि एजुकेटर्स या यूट्यूबर्स फ्री में कंटेंट क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। कोई फ्री में कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उसका एक ही उद्देश्य है नेम फेम मनी कमाना, जो कि सही है, लेकिन बार बार बोलना कि फ्री में हम वीडियो बनाते हैं, फ्री में कंटेंट देते हैं, ये बिल्कुल क्या है, गलत है, राइट। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे, इससे क्या होगा, कोई भी मैं कॉमर्स, अकाउंट्स, आपका बिजनेस लॉ, मैनेजमेंट से रिलेटेड और बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स में, उससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड करूंगा, उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं, थैंक यू।